हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी महाशिवरात्रि। मेरी फ्रेंड हम लोग गए थे मंदिर, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मंदिर का मेरी फ्रेंड है साथ में, मॉर्निंग में हम लोग गए थे, देख लीजिए आप लोग भी। बच्चे बहुत जिद करने लगे, नहीं चलना है चलना है। तो फिर हम लोग गए मंदिर गए, फिर वहाँ पे आरती होने लगी तो रुक गए हम लोग भी। ये आरती हो रही थी तो आरती होने के बाद अभी मैं भी आगे का भी आपको सब भीड़ हो गई थी आरती। देख लीजिए आप लोग भी, दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा है ना, सुबह से ऐसा था वहाँ पे। तो मैं शाम को गई थी, मॉर्निंग में भी यही था ऐसे ही, बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पे। मन सही बात है, सब कहते हैं ना बुजुर्ग, मंदिर में जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। सही बात है, जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम शांत रहता है, जैसे हम भगवान में लीन हो जाते हैं, वैसा लगता है कि हम यहीं अभी रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। आइए आप लोग भी साईं बाबा के दर्शन कर लीजिए, मैं आप लोग को भी आरती करवाती हूँ। और भीड़ थी तो इसलिए मैं साइड से जा रही हूँ, ये आरती रखा हुआ था। अभी देखिए आप लोग भी साईं बाबा के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए साईं बाबा, अरे आप यहाँ इनकी चरण पादुका है तो वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। माता जी हैं यहाँ पे, बजरंग बली जी हैं यहाँ पे, हनुमान जी हैं। देखिए यहाँ पे हवन हुआ था ना, तो वही तो अंधेरा है थोड़ा, वही मैं दिखा रही थी लेकिन थोड़ा अंधेरा आ गया था। फिर हम लोग यहाँ बैठे थे, अक्ष के पापा बच्चे सब यहाँ बैठे थे। हेलो, अपना ये पहनो। तो मैंने यहाँ का भी थोड़ा सा ले लिया, मंदिर में थोड़ा अंधेरा है, प्लीज़ आप लोग माइंड ना कीजिएगा। मंदिर के थोड़ा बाहर है इस साइड, इस वजह से थोड़ा अंधेरा आ रहा है। सच्ची थोड़ा ठीक ले लें, अंधेरा आ रहा है थोड़ा। अक्षय पापा का तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मम्मी पापा अच्छी जाने दो, अंधेरा बहुत आ रहा था इसकी वजह से। फिर हम लोग वहाँ से मार्केट चले गए, यहीं बाजू में मार्केट भी है तो हम लोग ने सब्जी उब्जी लिए, सब्जी उब्जी खरीद कर आ गए घर पर। तो मार्केट साइड मेरे बेटे का स्कूल भी है, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, भूल गई सॉरी। देखिए मार्केट यहाँ पे सब सब्जी उब्जी लगती है, आगे बहुत भीड़ थी इस वजह से मैंने नहीं किया। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।